दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो जुलाई में प्रस्तावित है, और उसके लिए दोस्तों आप लोगों को पता हो कि पहले डेट सरकार ने बढ़ाई थी, काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे राजस्थान में, इसको लेकर के विरोध हुआ था, एग्ज़ाम डेट को बढ़ाया गया था। लेकिन फ़िलहाल एक बार फिर से ये जिन बोतल से बाहर आ गया है कि एग्ज़ाम डेट्स को बढ़ाया जाए, पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, हर एक परीक्षार्थी के लिहाज से बार बार एग्ज़ाम डेट्स को बढ़ाना और इस तरीके से स्टूडेंट्स को असमंजस में डालना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी आई है वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े। और पदों की संख्या में बढ़ोतरी होता ही वो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए, यहाँ दोस्तों ऑफिशियल जानकारी है, आज के समाचार पत्र में जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा एनालिसिस देने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्कूल व्याख्याता परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग। तो ये कॉलेज स्कूल लेक्चरर जो वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से लोग आगे आ गए हैं। दैनिक नवज्योति की ये खबर है और आप अजमेर संस्करण से देख रहे हैं इस खबर को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के साथ ही आयोग के उपसचिव को भी ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस दौरान अन्य परीक्षाओं की जो तिथि है उनके कारण से उन्हें परेशानी होने वाली है। और जो राजकीय महाविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रचित कच्छावा की जो अगुवाई में अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उसमें बताया कि 15 से 25 जुलाई जित जो परीक्षा है RPSC की वो आयोजित की जानी है। और इसी दौरान अभ्यर्थियों की MA, MCOM, MSc, LLB, LLM सहित अन्य परीक्षाएं भी होंगी। यानी 15 से 25 के बीच LLM, MCOM, MSc, LLB ये एग्ज़ाम्स भी होनी है, इसलिए एक दिन में दो परीक्षाएं होने से परेशानी उत्पन्न होगी। वह कौन सी परीक्षा दे, क्योंकि यह अभ्यर्थी काफ़ी समय से दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। ज्ञापन देने वालों में दोस्तों धर्मेंद्र परपोसा, धर्मेंद्र बाजिया, मुकेश मेघवाल, जगदीश मेघवाल, घनश्याम मेघवाल, राकेश सहदेव, विकास सहित अन्य लोग भी शामिल थे। कहना यही है कि जिस एग्जाम डेट में RPSC की परीक्षाएं हैं उन्हीं के दौरान कॉलेज की हो चाहे दूसरी एग्जाम्स वो भी पढ़ रही हैं, तो ये कहना है। अभी ये दोस्तों वेरीफाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम डेट्स आगे जाए, हम नहीं चाहते आगे जाना चाहिए, इसके बिल्कुल खिलाफ़ है हम। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक बार पुनः इस चीज़ की मांग उठ चुकी है कि एग्ज़ाम डेट्स को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहें। जितने भी RPSC फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की संभावना नगण्य है, आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।